नमस्ते, दिस इज़ बाबा करणवीर, आपका दोस्त। मैं अब वापस जा रहा हूँ कतार, और टाइम वापस जाने का आ गया। ये एक ऐसा टाइम होता है जो मुझे ज़रा पसंद नहीं, घर छोड़ के जाना, स्पेशली इतने दिनों तक जब आप रहते हो घर में अपने पेरेंट्स के साथ, बहन के साथ, गब्बर के साथ। बट या आई मीन काम करना थोड़ा ज़रूरी है, और वापस एक मुसाफिर अपनी यात्रा पर निकल चुका है। तो मैं अब बॉम्बे एयरपोर्ट पर हूँ, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, और मैंने अपनी टिकट ले ली है। इंडिगो एयरलाइन है, मैं आपको दिखाऊंगा, और हम दोहा की ओर जा रहे हैं। उससे पहले हमेशा जब मैं जाता हूँ तो मैं एक बुक स्टोर पर रुकता हूँ, और बुक स्टोर ये रहा मेरे पीछे, बुक सूत्रा लिखा है। तो ज़रा जाते हैं और देखते हैं वो क्या है, कौन सी बुक्स है वहाँ पर। तो बेसिकली मैं बहुत कंफ्यूज हुआ आज कि कौन सी बुक लूँ। नॉर्मली मेरे को इजीली मिल जाती है। एक बुक मेरे को एक्चुअली पसंद भी आई है, वो अभी तक यहाँ है नहीं एक्चुअली। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो ये बुक थी द आर्ट ऑफ फोकस। ये गौरंग दास की बुक है। कन्फ्यूज वेदर आई शुड बाय इट और नॉट, सो आई थिंक मे बी दिस टाइम आई एम जस्ट गोना स्किप द बुक। मेरे पास ऑलरेडी बैग में एक बुक है, और हम लोग एक्चुअली चलते हैं अब इमिग्रेशन क्रॉस करके फटाफट जाके। सो इमिग्रेशन हो गया है, सिक्योरिटी हो गया है, मैंने दिखाया नहीं अपने व्लॉग में। उसका ये रीज़न है कि सेफ्टी थे ऑफकोर्स। तो अब नेक्स्ट हम ड्यूटी फ्री थोड़ा घूमेंगे, और फिर मैं अपनी गेट की तरफ जाऊँगा। अभी फ्लाइट को एक ही घंटा बाकी है, तो मैं पहले सुपर ड्राइव जा रहा हूँ। देख रहा था सुपर ड्राई में, और ये कलर एक्चुअली जो है थोड़ा डिफरेंट है। आई लव, जब भी मैं एयरपोर्ट आता हूँ मैं हमेशा सुपर ड्राई पे जाता ही हूँ, लेकिन आज मैं जैकेट भी नहीं खरीद रहा हूँ क्योंकि मैं उसके भी मूड में नहीं हूँ। तो चलिए कुछ और करते हैं इस एयरपोर्ट पे। एक्चुअली रहा नहीं गया, और मैंने खाना लिया, मैंने स्टीम इडली लिया और फिल्टर कॉफ़ी ली है। हमारी जर्नी के पहले थोड़ा कुछ खा लूँ, मुझे खाली पेट कभी रहना नहीं चाहिए। ओके, तो अब हम जाके अपना खाना लेते हैं यार। So, ये मेरी फिल्टर कॉफ़ी है, स्टीम इडलीज, कोकोनट मिंट कोकोनट चटनी, आई थिंक ये कोई अलग चटनी है, सांभर टमेटो चटनी, और ये प्योर कोकोनट चटनी। यू है पीछे, हम यहाँ बैठ के हैं, अपना नाश्ता करेंगे अभी, ठीक है, और उसके बाद आई थिंक मुझे भागना होगा। तो अब मैं भाग रहा हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ हमेशा की तरह, मैं कभी अपने गेट पे टाइम पे नहीं पहुँचता हूँ। और आई थिंक आज भी वैसा ही एक दिन है जब हम भाग रहे हैं। कॉफ़ी मैंने अपने हाथ में ले ली है, इडली खा ली थी, तो अब फटाफट जाते हैं और अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान करते हैं, इससे पहले हम लेट हो जाए। और इसी के साथ ये यात्रा यहाँ ख़त्म होती है, हम अब अगली सीधा आपको प्लेन में मिलते हैं। I've got my seat. I'm going on the last row, and we will go and try to find a seat and sit there. It's the last one right over there. Yeah. Finally, मैंने plane board कर लिया. I'm actually one of the last ones to come. और मेरी seat वहाँ पे अकेली ऐसी पड़ी है. चलिए, इंडिगो में अपनी seat. अब plane में mask पहनना बहुत ज़रूरी है. And मैंने अभी just mask में पास था नहीं. तो इन्होंने मेरे को दिया है, मैंने mask पहन लिया. मैं अपनी seat पे बैठ गया हूँ. तीन seat मिली है basically. And first, that's it. We're kind of excited. The plane's going to take off in some time. Yep.
sunset, we have reached now our destination, and welcome to Qatar, back home in Doha. Hey Baba. And yeah, time to get going. Yep, and welcome to Doha. Yep, and let's see the airport. So yep, this is it. आई होप आपको ये ब्लॉग इन्जॉय आपने किया हो, मेरी पूरी जर्नी इंडिगो एयरलाइन के साथ, और मैं कतार पहुंच गया हूँ। यहाँ से ही मैं गया था, वो आपका फेवरेट टेडी बेयर, और यहाँ ही मैं वापस आ गया हूँ। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ बाबा करणवीर। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ पसंद आया हो तो ज़रूर बताइए, और बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल। बाबा लेजेंड्स, गॉड ब्लेस।